जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल कि लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, जिस खबर की तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया है वो आपके स्क्रीन पर है। क्या आप जानते हैं कि संबित पात्रा को इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है? यानी कि जो विभाग भारत के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देता है, खास तौर से उसे इस शख्स संबित पात्रा को जो है उसका चेयरमैन बनाया गया है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा कि पत्रकार अरविंद गुणशेखर कह रहे हैं, ITDC चेयरमैन एंड MD पोस्ट स्प्लिट to accommodate Patra as chairman, while GKV Rao IAS will be managing director of ITDC. Sambit Patra ko khas taur se, ye pad jo hai, khas taur se unke liye banaya gaya hai. Main samajhna chahta hoon doston, ki Sambit Patra ki kis khasiyat ke liye, unhein Bharat ke andar, paryatan ko badhawa dene ki zimmedari di gayi hai. Is zimmedari ke liye, jab wo news channels mein baithkar बतौर प्रवक्ता जहरीली बातें करते थे, उसकी एक छोटी सी झलक देखिए दोस्तों। चुप, आपसे आरती करवाएंगे मौलाना। बस टोपी लाओ, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, अब रह गया नमाज पढ़ना, मैं वही करने जाना पड़ेगा। अब तो मुल्ला जी चिल्लाना बंद करो, बंद कीजिए। मुल्ला जी चिल्लाना बंद करो, मुल्ला जी चिल्लाना बंद करो। दोस्तों, मैं नहीं भूला हूं, कन्हैया के साथ उनका एक डिबेट हो रहा था और उस डिबेट के अंदर उन्होंने कहा था मोदी पूरे देश के बाप हैं। देखिए, कोई अगर यह कहता ना कि भाई मोदी देश के पिता तुल्य नेता हैं, पिता जैसे नेता हैं, तो बात समझ आती। इस आदमी ने अपने अहंकार में कहा था कि मोदी देश के बाप हैं। तो मैं समझना चाहता हूं कि क्या पापा ने इनाम दिया है संबित पात्रा को? ये नंबर एक। नंबर दो, आपको याद होगा दोस्तों, यही नहीं, ONGC के में भी एक अहम पद था इनके पास। इससे पहले ही वॉज अपॉइंटेड एज नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC लिमिटेड इन 2017। लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे, मगर पिनाकी मिश्रा के हाथों इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। पहले ONGC, अब इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। मैं एक बात समझना चाहता हूं, जो प्रवक्ता इस देश के अंदर उदारवादियों को, पत्रकारों को जो इस सरकार से सवाल करते हैं, बात बात पर देशद्रोही बताता है, जो व्यक्ति जो भी मोदी जी से सवाल करता है उसे पाकिस्तान भेजने की बात करता है, वो हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर पर्यटन को कैसे बढ़ावा देगा? भाई वो तो पाकिस्तान के अंदर पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है ना। मैंने गलत बात कही? क्योंकि संबित पात्रा को आपने अक्सर न्यूज चैनल्स पर जहर उगलते देखा होगा और यह कहते देखा होगा कि भाई अगर तुम्हें मोदी से प्रॉब्लम है, बीजेपी से प्रॉब्लम है, तो चले जाओ पाकिस्तान, जाओ पाकिस्तान। तो यह तो पाकिस्तान में टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है, पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। संबित पात्रा सिर्फ एक प्रतीक है। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा है जो उग्र बयान देते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं, न्यूज चैनल्स पर जहर फैलाते हैं, और जो पत्रकार इनसे सवाल करते हैं या इन्हें असहज करने वाले सवाल करते हैं उन पर ही अंकुश डालते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कई बार संबित पात्रा जो हैं झूठी खबरें देते हुए पकड़े गए। आपको याद होगा एक टूल किट को लेकर इन्होंने एक ट्वीट किया था। जानते क्या हुआ था? ट्विटर ने उसे भ्रामक ट्वीट बताया था, यानी कि गलत जानकारी देने वाला ट्वीट। संबित पात्रा कई बार पकड़े गए हैं झूठ बोलते हुए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, आपके सामने ये आर्टिकल है और इस आर्टिकल में बताया गया है कि करीब वो 15 से 20 बार जब संबित पात्रा ने गलत बयानी की थी, झूठ बोला था। मैं ये समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ऐसे व्यक्ति को क्यों इनामित करती है। और दोस्तों, मैंने अपने ही मंच पर एक कार्यक्रम किया था, कश्मीर में एक बुजुर्ग को आतंकवादियों ने गोलियों से छलनी कर दिया था, उसकी लाश जमीन पर पड़ी थी और उसकी लाश के ऊपर उसका पोता
दो या तीन साल का पोता था वो लिपट के रो रहा था शायद। संबित पात्रा ने उस पर भी जो ट्वीट किया था उसे देखकर इंसानियत शर्मा जाए दोस्तों। मेरे उस कार्यक्रम की झलक देखिए और फिर सोचिए कि इस व्यक्ति को ITDC का चेयरमैन बनाया गया है। देखिए वो बयान क्या था मैं आपको बताता हूं। दरअसल ट्वीट था, एक 3 साल का बच्चा अपने दादाजी की छाती पर बैठा हुआ था मगर उसका दादाजी, उसे मौत के घाट उतार दिया गया था, गोलियों से छलनी कर दिया गया था। उसकी लाश पड़ी हुई थी और वो 3 साल का बच्चा जो है अपने दादाजी की छाती पर बैठा हुआ था। संबित पात्रा ने इस तस्वीर को उठाकर एक ट्वीट किया पुलिट्जर लवर्स, यानी कि कहीं ना कहीं संबित पात्रा ये ताना दे रहे थे कहां गए पुलिट्जर प्रेमी। ऐसा वो क्यों कह रहे थे, क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर के रहने वाले 3 फोटोग्राफर्स को पुलिट्जर ने सम्मानित किया था। संबित पात्रा ने आओ देखा ना ताओ, ना मौका देखा, ना गरिमा देखी, ना उस बच्चे की संवेदनशीलता को देखा, ना उसकी प्राइवेसी देखी और संबित पात्रा ने वो ट्वीट उठाकर ताना मार दिया अपने राजनीतिक विरोधियों पर। और न सिर्फ ताना मारा बल्कि जिन लोगों ने उस पर सवाल उठाया कि संबित पात्रा आप इतना संवेदनहीन बयान कैसे दे सकते हैं, एक बच्चा जो अपने दादा की छाती पर बैठा हुआ है, मृत दादा की छाती पर बैठा हुआ है, उस पर आप एक उसका आप राजनीतिक इस्तेमाल क्यों कर सकते हैं, संबित पात्रा ने उस पूरे मुद्दे को बीजेपी वर्सेस पाकिस्तान बना दिया। मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि संबित पात्रा ऐसे व्यक्ति को ITDC का चेयरमैन बनाया गया है, या इससे पहले ONGC में इन्हें खास पद हासिल था, जो समाज के अंदर इस तरह का जहरीला प्रोपेगेंडा फैलाता है। इनके प्रवक्ताओं की फहरिस्त देखिए दोस्त, गौरव भाटिया, प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला के बारे में आपको बतलाना चाहता हूं, 2 महिला नेत्रियों पंखुड़ी पाठक और प्रियंका चतुर्वेदी के बारे में इन्होंने अपशब्द कहे थे, अश्लील बातें कही थी और इन्होंने इनके खिलाफ पुलिस केस भी किया था। तो आज की तारीख में ये लोग होते हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बने हुए हैं, और कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जहां स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे ओजस्वी वक्ता हुआ करते थे, ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जहां पर सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जैसे प्रवक्ता हुआ करते थे, जिनके मुंह से आप कभी कोई अश्लील बात नहीं सुनते थे दोस्त, कभी भी कोई ऐसा बयान नहीं सुनते थे जो जहरीला हो, खासकर तब जब वो प्रवक्ता हुआ करते थे। मगर आज की तारीख में संबित पात्रा न सिर्फ प्रवक्ता हैं बल्कि उन्हें इस तरह से इनामित किया जा रहा है। देखिए संबित पात्रा तो सिर्फ एक प्रतीक है। आज इस कार्यक्रम करने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उन लोगों को इनाम दे रही है जो कि समाज को दोफाड़ कर रहे हैं, समाज में जहर फैला रहे हैं, समाज के अंदर ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे हम में तनाव पैदा हो। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों संबित की पूरी दास्तान, वायर की जिस आर्टिकल का मैंने जिक्र किया, एक एक करके मैं आपके सामने आर्टिकल लाना चाहता हूं। सबसे पहले दोस्तों देखिए किस तरह से ये झूठा ट्वीट करते हैं। ये कहते हैं कि कोटा से उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स को वापस लाते समय उत्तर प्रदेश के कुछ बसों को डीजल की आवश्यकता पड़ गई, दया छोड़िए आधी रात को दफ्तर खुलवाकर प्रियंका वाड्रा की राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार से पहले 19 लाख रुपए लिए और उसके बाद बसों को रवाना होने दिया, बाहरी मदद। सरासर झूठ खबर दोस्तों, क्योंकि बाद में पड़ताल में पता चला कि पैसे जो हैं वो 2 हफ्ते बाद मई में लिए गए, यानी कि राजनीति के लिए आदमी झूठ बोल रहा है। उसके बाद दोस्तों राहुल गांधी के बयान को फिर भ्रामक ढंग से पेश किया, पीछे से आलू आगे से सोना और अब रेड है वो ग्रीन है, जो ग्रीन है वो रेड है, यानी कि राहुल गांधी के बयान को आंशिक तौर पर पेश करना जबकि राहुल ने कुछ और कहा था। राहुल बता रहे थे कि रेड और ग्रीन जोन्स जो हैं कोरोना को लेकर उसकी पेचीदगियां क्या कहें। आगे देखिए दोस्तों यह आदमी रुका नहीं, संबित पात्रा ने जवाहरलाल नेहरू का हवाला देते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आई एम इंग्लिशमैन बाय एजुकेशन, मुस्लिम बाय कल्चर एंड हिंदू मेली बाय एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। और आप देख सकते हैं यहां बाकायदा आज तक के शो में यह व्यक्ति जो है यह कार्यक्रम कर रहा था, यह जानकारी दे रहा था, जबकि इसी बात को इन्होंने रिपब्लिक में भी दोहराया, जबकि यह बयान किसी और ने नहीं एक एनबी खरे नाम के व्यक्ति ने 1959 में दिया था। इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था द एंग्री एरिस्टोक्रेट, 1959 में एनबी खरे ने लिखा था नेहरू के बारे में
नेहरू इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी एज ही हिमसेल्फ हैज एक्सप्लेन्ड इन हिज ऑटोबायोग्राफी. ही इज इंग्लिश बाय एजुकेशन, मुस्लिम बाय कल्चर एंड हिंदू बाय एन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ. ये एनबी खरे का बयान था, मगर संबित पात्रा ने उसे यह कह दिया कि यह बात जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे. और बात यहां नहीं रुकती, देखो पूरी फहरिस्त है. बार बार यह व्यक्ति इसी तरह से झूठ बोलता रहा, गलत बयानी करते रहा. और मैं नहीं भूला हूं वो डिबेट आज तक पर. एक तरफ राजीव त्यागी थे, उस डिबेट में राजीव त्यागी कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे उनके बारे में संबित अपशब्द बोलते रहा, और उसी डिबेट में राजीव त्यागी को हार्ट अटैक आया और वो चल बसे. उस डिबेट को मेरे हिसाब से टीवी चैनल्स के तमाम डिबेट्स में मैं उसे काले अध्याय के तौर पर देखता हूं, एक ब्लैक चैप्टर के तौर पर. उससे गंदा और घटिया डिबेट कोई नहीं रहा होगा जिसमें एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी थी. मैं नहीं भूला हूं दोस्तों संबित पात्रा किस तरह से लगातार ताने मार रहे थे राजीव त्यागी पर. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संबित पात्रा के शब्दों की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया था, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मगर वो लगातार इस तरह के बयान देते रहे. और मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया, सामने अगर कोई मुस्लिम पैनलिस्ट होता है तो संबित पात्रा जो है जिस कदर जहर उगलते हैं उसकी कोई सीमा नहीं होती है. खैर, भारतीय जनता पार्टी ने बार बार यह प्रमाणित किया है, इसी तरह के तमाम लोगों को वो लोग इनामित करते हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है. इससे देश की नाक कट रही है, देश की साख को नुकसान पहुंच रहा है, और आने वाले दिनों में हम इसकी कीमत चुकाएंगे और चुका भी रहे हैं. अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत. नमस्कार.